स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के जियोग्राफी की क्लास में। जियोग्राफी यानी भूगोल, भूगोल की क्लास में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आता है, संसाधन क्या होता है। अरे यार, संसाधन यानी ऐसा धन जो हमारे काम आ जाए उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब जो हमारे जरूरत में काम आ जाए, हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर दे, वैसे चीज़ को संसाधन कहते हैं। मार्कर एक संसाधन है, हमारे ज़रूरत है कि हम बोर्ड पे इसे लिखना चाहते हैं तो ज़रूरत को पूरा किया ना, तो इसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अगर आपके ज़रूरत को हम पूरा करते हैं तो हम आपके लिए संसाधन है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हमारे काम आ जाए बस वही संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन आप समझिए क्या है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना जिम्बरमैन एक बात बोले कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये भी बात सही है। आप बताइए संसाधन होते कहाँ हैं, बनते हैं। जो हमारे काम में आ रहा है वही तो हमारे लिए संसाधन ना, जो हमारे काम में नहीं आएगा वो संसाधन नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो दुनिया की हर चीज़ें हमारे किसी न किसी काम आ ही जाती है, तो वो सभी संसाधन है। आप बताइए जमीन के अंदर से अगर कोयला निकाल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक संसाधन है। सूर्य से प्रकाश मिल रहा है ना तो हमें विटामिन डी दे रहा है, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। लेकिन दोनों में अंतर है। विटामिन डी हमें ज़िंदगी भर मिलेगा और कोयला हमें ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। एक समय के अनुसार ये कोयला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश ख़त्म नहीं होगा। तो आप फिर सोचेंगे सर जब संसाधन का डेफिनेशन सेम है, परिभाषा सेम है, तो ये दोनों अलग अलग, तो संसाधन के कुछ प्रकार भी तो होते होंगे ना ऐसा। तो जी संसाधन के प्रकार होते हैं, जो ऐसा कुछ संसाधन होता है जो ख़त्म हो जाता है उसे अलग संसाधन के नाम से जानते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता है उसे अलग संसाधन के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग संसाधन को कुछ अलग अलग भागों में बांटे हैं, ठीक है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे मछली आप खाते हैं ना तो वो सजीव है, लेकिन आप कोयला खाते हैं वो निर्जीव है, ठीक है। मतलब कि एक लिविंग थिंग है एक नॉन लिविंग थिंग है। तो उत्पत्ति, आप बताइए बहुत चीजें जमीन से निकलती है, आप देखे होंगे बहुत चीज़ें जमीन से निकलती है, तो कुछ चीज़ें क्या होती है, जीवित होते हैं, जीवित चीज़ों से मिलता है या फिर जीवित ही होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या है, अंदर ही सड़ गल गया है, ख़त्म हो गया। तो दो तरीका से, यानी कि नीचे से जब निकल रहा है, उत्पत्ति हो रहा है नीचे से, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का संसाधन होता है। पहले संसाधन का नाम जैव संसाधन, जैव संसाधन जो सजीव से, जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाए, ठीक है, जो लिविंग थिंग हो, जो जिंदा हो, जो जीवित हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जो जीवित हो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति यानी पेड़ पौधा जीवित रहता है ना, तो पेड़ पौधा, यहाँ पे मनुष्य भी हमारे लिए संसाधन है, मनुष्य एक दूसरे के काम आ सकता है ना, ठीक है। मत्स्य मछली भी हमारे काम आता है, वो भी संसाधन है, लेकिन जीवित है तो जैव संसाधन, और जो जीवित नहीं है उसे अजैव संसाधन या फिर अन्य प्राणी समुदाय भी हो जाएगा जो हमारे काम में आ जाए, सजीव हो। लेकिन अजैव संसाधन में ये जीवित नहीं होता है, इसमें निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि चट्टान हमारे काम आता है तो संसाधन है, लेकिन जीवित नहीं है वो चट्टान, जीवित थोड़े आपके पास चल के थोड़े आता है, लेकिन फिर भी चट्टानों से बहुत सारा काम आता है। क्या क्या काम आता है आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट में बताइए कि पत्थरों का क्या क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो चट्टान हो जाएगा, धातु भी जीवित नहीं है। आप अगर कुछ, आप क्या करते हैं, गहना वगैरह देखे ना, धातु वगैरह से बनता है, या फिर बहुत सारा लोहा भी एक धातु है, तो हमारे काम आता है लेकिन लोहा जीवित नहीं है। और आप लोग लड़कियों को तो देखे ही होंगे, पूरा का पूरा श्रृंगार ही सब रहता है अपने बॉडी को छेद करके, और श्रृंगार खूबसूरत देखने के लिए क्या क्या लोग नहीं करते हैं ना जी, बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ देखिए वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, धातु भी संसाधन लेकिन जीवित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। खनिज, जमीन के नीचे से जो खोद करके निकाला जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या है, खनिज है, जो खोन करके, खनन करके निकाला जाए उसे खनिज। तो मेन हम लोग को यही पढ़ना है आगे आने वाले टॉपिक में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में हमको लग रहा है कि 15 से 17 नंबर का इसी में से पूछता है बाबू। तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन समझ गए, जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त हो उसे संसाधन, और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो उसे अजैव संसाधन। अब मामला इधर आता है, अभी आपको बताएं कि कुछ चीजें निकालने पर, इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कुछ देर के लिए कोयला एक बार जला लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक संसाधन है। और दूसरा, सूर्य का प्रकाश आ रहा है या फिर ये पानी द्वारा, मतलब जो भी ये समुद्र द्वारा जो बिजली बनता है, इसको दोबारा हम बिजली बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो एक संसाधन खत्म हो जा रहा है, एक खत्म नहीं हो रहा है, तो जो खत्म हो जा रहा है उसे अनवीकरणीय संसाधन, और जो खत्म नहीं हो रहा है
है, रोज नया नया बन रहा है। सूर्य का परस क्या है, रोज ताजगी ला देता है, ताजा ताजा रोज बनता है। जब हम लोग चापाकल वगैरह नल खोलते हैं तो रोज नया नया पानी देता है, यानी नया नया जो हमेशा डेवलप मतलब अपने आप को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, दिखाए, उससे नवीकरण यह संसाधन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो संसाधन कभी खत्म नहीं हो उसे नवीकरण संसाधन, और जो संसाधन खत्म हो जाए उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके उसे अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे जिसे दोबारा प्राप्त कर सके, दोबारा उसका इस्तेमाल कर सके उसे बोलते हैं नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज के द्वारा जो ऊर्जा मिलता है, पवन ऊर्जा, हवा के द्वारा भी हमें ऊर्जा और बिजली वगैरह प्राप्त होता है पवन चक्की को चला करके, ठीक है। जल विद्युत, जल या विद्युत, या फिर वन, वन आदि भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में देखिए क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, ये अन, अब कहिएगा सर ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है, अरे कोयला ही कोयला, पेट्रोल डीजल ये सब जीवाश्म ईंधन है। ये कैसे बनता है आखिर, तो कभी ना कभी बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु किसी कारण बस पानी के नीचे दब जाते हैं, और बताइए, और वो दब के सड़ते हैं गलते हैं तो अंततः वो पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। अब कहिएगा कि सर तो जीवाश्म नाम का है पड़ा, जीवाश्म का मतलब होता है कभी ना कभी उसमें जीवों का अंश था, कभी ना कभी उसमें जीवों का अंश था, थोड़ा सा होगा, फिर कुछ दिन बाद करोड़ों साल बाद उसमें वो मर गया, नीचे दब गया, लेकिन कभी ना कभी उसमें सजीव वो था कि नहीं, जितने भी पेड़ पौधा है इंसान नीचे दब जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बार कोयला का इस्तेमाल कर लो, निकाल लो, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लो, तो फिर वो उसमें पेट्रोलियम नहीं आ पाता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्य हो जाता है, तो इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसे समाप्य संसाधन भी कहते हैं, अनवीकरणीय भी अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, जिसे प्रयोग होने पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर, अब मामला ये पूछता है कि सर स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब अब अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके संपत्ति पर सिर्फ आपका अधिकार है, तो क्या सरकार का अधिकार नहीं है, तो सरकार का तो पूरी दुनिया पर मतलब पूरे अपने देश पर अधिकार रहता है, ठीक है। सर मान लीजिए कि ये ज़मीन आपकी है, लेकिन सरकार चाहेगी तो बीच में से रोड निकाल देगी, ठीक है। तो जब तक आपकी है तो दूसरा कोई कुछ करेगा तो एकदम जबरदस्त झगड़ा होगा, ठीक है, एकदम मतलब क्या बताएं, जबरदस्त तरीके से झगड़ा होगा, एकदम उसका तुम हाथ पर तोड़ दोगे, तुम्हारा वो तोड़ देगा, समझ रहे हो ना, अगले दिन बॉन्डेज लेके घूमोगे, तब तक पता ये चलेगा कि सरकार वहां बीच से रोड निकाल दी, किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तो दुनिया में तो देखा जाए तो हर सरकार का अपना अपना कुछ क्षेत्र होता है, तो वही स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, कौन कौन से संसाधन पर हमारा अधिकार है, क्या हमारे अपने घर पे हमारा अधिकार है, क्या पूर्णतः अधिकार है कि सरकार चाहेगी तो इसको भी तोड़ा देगी, अगर ये तो संसाधन है क्योंकि हम घर के अंदर रह रहे तो ये संसाधन है, लेकिन अधिकार किसका है, तो एक कुछ ऐसे संपत्ति होते हैं जो हमारे काम में आते हैं, ठीक है, जो हमारा पर्सनल होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन, हर व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि यहाँ पे खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि भूखंड, पूरा भूमि का बात नहीं कर रहे, पूरा भूमि हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, भू का खंड यानी कि खंड माने टुकड़ा, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जिसमें हम लोग रहते हैं या खेती करते हैं, वो हमारा अपना होता है, दूसरा कोई खेती कर सकता है क्या, हालत खराब नहीं कर देंगे, है ना जी, भूखंड हो जाएगा। घर हमारा व्यक्तिगत है, या अन्य जायदाद जितने भी होते हैं, बगीचा, बगीचा में दूसरा कोई आम लीची तोड़ लेगा तो छोड़ देंगे का, उसको भी तोड़ देंगे, है ना जी, ऐसा होता है ना। तालाब, तालाब में आपका तालाब है, दूसरा कोई मछली मार ले, ऐसा कैसे हो सकता है, बिहारी हम छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे, यहाँ देखिए, तो ये सब है व्यक्तिगत संसाधन। अब यहां देखिए, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर हमारा नहीं पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन, जैसे हम बोले कि जो मस्जिद होता है पूरे मुस्लिम समुदाय का एक क्या है, मतलब मुस्लिम समुदाय का एक सामुदायिक संसाधन, जो पूरे एक समुदाय का जिस पर अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर पर एक समुदाय का अधिकार होता है कि हिंदुओं का अधिकार है, ठीक है, मस्जिद पर मुस्लिम का अधिकार है, ये सब, या फिर सामुदायिक भवन हो सकता है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जिसमें एक समुदाय आ जाए, किसी एक व्यक्ति का नहीं पूरे कौम की बात हो, ठीक है। वैसे ही राष्ट्रीय संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या होता है, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ आप नहीं कर सकते हैं, पूरे देश कर सकता है, ठीक है, वो पूरे देश का अधिकार है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भूमि, खनिज, समुद्री जीव, ये सब क्या है, पूरे जितने भी हैं, भूमि यानी जमीन आपका नहीं है, एक राष्ट्र का है,
जब सरकार को जरूरत पड़ेगी इस पर वो अपना अधिकार जमा लेगी। अब देखिए आपको करना क्या है बाबू, एक आपको एग्जाम्पल राष्ट्रीय संसाधन का देना है, ऐसा संसाधन का देना है जिस पर देश का अधिकार होता है, उस संसाधन का नाम आपको, मतलब आपको एग्जाम्पल देना है। जैसे हम बता दिए भूमि, जब नीचे से जमीन से खोद के कोई चीज़ निकालते हैं ना तो वो आपका नहीं होता है। अगर आज आपके घर में पेट्रोल निकलने लगे तो समझिए तो आपका अधिकार नहीं है, उस पर आएगी पुलिस और कब्जा करेगी, वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। अब लोग इससे गुस्सा होते हैं कि हमारे ज़मीन में निकला है तो मेरा हुआ ना, अरे बाबू तुम्हारा ना हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जितना भी अपने देश, एक राष्ट्र की बात करें तो उस राष्ट्र पर पूर्णतः सरकार का अधिकार होता है। और हम लोग अगर इस घर में रह रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है तो अपना पर्सनल ज़मीन नहीं है, भले लिख देते हैं हम लोग कि भूखंड का मेरा हिस्सा है, घर मेरा है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, उसका हम लोग लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। जो ज़मीन का रसीद वगैरह कटता है ना, देखना लोग ज़मीन का रसीद कटाने के लिए जाते हैं, तो वही तो ज़मीन का हम लोग किराया देते हैं, उसको अपने भाषा में ज़मीन का किराया कह सकते हैं, जो हम लोग टैक्स देने जाते हैं, लगान देने जाते हैं, ठीक है। हर कट्ठा वाई जमीन का मतलब एक कट्ठा पर इतना रुपए लगेगा, हर साल लगता है, हर ईयर लगता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से पेट्रोल निकलना शुरू हो जाए तो आकर के सरकार यहाँ अधिकार कर लेती है। तो ज़मीन से कोई भी कीमती धातु निकले, खनिज निकले, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं बाबू, ये सब राष्ट्र का हो जाता है, देश का हो जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि किसी भी देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो अंदर तो जो निकलेगा वो संसाधन है ही, लेकिन अपने देश से ठीक, अगर इधर तो पूरा समुद्र है ना, समुद्र 200 किलोमीटर तक अंदर तक अगर कुछ भी निकले तो वो भी देश का ही होता है। यानी 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र में अगर बाबू कुछ भी निकले तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के इधर निकले तो ये जो पहले गया, जो इसको उठा लिया, उस देश का हो जाएगा, या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय, या फिर सभी देश बैठ करके इसको समझौता करेंगे, ठीक है, कि इस संपत्ति का क्या किया जाए, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और 200 किलोमीटर के अंदर रहेगा तो इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तट से 200 किलोमीटर दूर, यानी कि जो भी अपना भारत है, चाहे कोई भी देश है, उसके समुद्री तट से अगर 200 किलोमीटर के अंदर है तो उस देश का है, लेकिन उससे दूर हो गया तो पूरे देश का है, यानी उस पर सबका अधिकार है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज आप बताइए, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य का इस तीनों में आ सकता है सूर्य, ठीक है, बहुत ऐसा, देखो तीनों हर, देखो जितने भी संसाधन है वो तीनों में आ जाएंगे, लेकिन इन चारों में से बात करेगा तो इसमें से अलग चुनना है, इसमें से बात करेगा तो अलग चुनना है, इसमें से। अब हम बात करें सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, सजीव नहीं है, वो निर्जीव है, ठीक है, तो इसमें आ सकता है, अजय, वो जीवित नहीं रहता है। इसका बाद नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, तो वो नवीकरणीय है, क्योंकि वो जो भी हमको ऊर्जा देता है ना वो खत्म होता ही नहीं है। अगर इसका बात करें सूर्य, अगर अधिकार के हिसाब से कि सूर्य पर किसका अधिकार है, स्वामित्व यानी क्या होता है अधिकार, तो सूर्य पर किसी का अधिकार नहीं, पूरे विश्व का अधिकार है। और जब भी पूरे विश्व की बात आ जाए बाबू तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, समझ गए आप, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, पूरे देश का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन, जिससे पूरे समुदाय कौम, हिंदू धर्म की ये मस्जिद है तो एक पूरे समुदाय के ना, किसी एक हिंदू का नहीं है, अगर हिंदू धर्म का ये मंदिर है तो किसी एक हिंदू का नहीं है, पूरे हिंदू एक कौम है उसका है, पूरे हिंदू समाज का है, इसीलिए उस सामुदायिक संसाधन हो जाता है। मस्जिद, गिरजाघर वगैरह, चर्च भी है तो चर्च जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, पूरे समुदाय का है, किसी एक क्रिश्चियन का नहीं ना है चर्च, ठीक है। तो उस हिसाब से सामुदायिक संसाधन हो गया, अधिकार के हिसाब से संसाधन हो गया, ठीक है, ये उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हो गया। आइए जो नीचे से उत्पन्न हुआ है तो दो टाइप का होता है, ये भी एक संसाधन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग को यह जानना है कि जो भी संसाधन है जो जमीन से निकलता है, तो मान लीजिए कि जमीन से अगर निकल रहा है, चाहे जो भी इसमें का संसाधन आ रहा है वनस्पति, ये किस प्रकार का संसाधन है भाई। मान लीजिए कि मिट्टी हमारे लिए संसाधन है, तो अब मिट्टी के बारे में जानना है, या फिर जो धातु अंदर से निकल रहा है, तो मान लीजिए कि बिहार में सब धातु तो नहीं निकलेगा ना, बिहार में कौन धातु निकलता है। तो अब हम लोग को जानना है कि संसाधन कहाँ कहाँ से चीजें निकलती है, जमीन के अंदर से कहाँ, समुद्र के अंदर से निकलता है, ठीक है, वो जगह और राज्य का नाम याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ संसाधन मिला, झारखंड में सबसे ज़्यादा काम मिला, जो हमारे बहुत काम आया, और देश के विकास में संसाधन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए लोहा साबित हुआ है, क्योंकि संसाधन एक तरह से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी है लोहा,
एक तरह से संसाधन की बात करें तो लोहा भी एक संसाधन है। जब से लोहा आया है पूरे देश में विकास हुआ है, नया नया फैक्ट्री वगैरह खुला है, तो हम लोग जाने हैं कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, ये सब नीचे संसाधन है क्योंकि सब हमारे काम में आता है। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, ठीक है, शीशा सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ निकला है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली समझेंगे, ठीक है। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर खुदाई हुआ तो तेल मिला, सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुआ, और तेल हमारे लिए संसाधन है तो पढ़ना है, तो सबके बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि ये जितने भी संसाधन है इसको बचाना जरूरी है, तो इसके बाद वाले लेयर में हम लोग ये देखेंगे कि संसाधन तो सब है और सब हमारे काम आता है, लेकिन जो संसाधन खत्म हो जाता है उसको बचाना पड़ेगा ना, तो बचाने को ना ज्योग्राफी के भाषा में संरक्षण बोलते हैं या हिंदी के भाषा में संरक्षण। तो संसाधन के संरक्षण के बारे में जाने इसके अगले लेयर में।